दोस्तों, शादी के बाद अच्छे घर का ख्वाब हर लड़की देखती है, मगर ज्यादातर सुनने में यही आता है कि बहू की सास से बनती नहीं, इस वजह से घर में लड़ाइयां हो जाती हैं। तो बिल्कुल एक ऐसा ही वाकया सऊदी अरब से वापसी पर मशहूर मुफ्ती और आलम दीन के साथ हुआ। एक एयर होस्टेस ने इनको देखा और कहा कि काफी देर से आपको ढूंढ रही हूँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो वो आलम दीन मुफ्ती जरव अली खान थे। तो मुफ्ती जरव अली खान जो हमेशा आवाम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं, इन्होंने कहा कि जी अर्ज करें। तो खातून कहती है कि मैं अपनी सास से तंग हूँ, वो मुझे बहुत बुरा भला कहती है। यही नहीं, जब भी मैं यहाँ नौकरी पर आने लगती हूँ तो वो मुझे बहुत कुछ कह जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई तावीज़ दें ताकि घर के हालात अच्छे हो जाएं। ये बातें सुनने के बाद मौलाना साहब कहते हैं कि ये जो सब बातें आपकी सास कहती है, क्या ये सब गलत है? तो एयर होस्टेस कहने लगी कि नहीं जी, है तो बिल्कुल सही, मगर क्या करें, नौकरी है हमारी और इस बात की तो तनख्वाह लेते हैं हम। तो फिर मुफ्ती जरव अली खान ने कहा कि फिर तावीज आपके सास के लिए नहीं बल्कि आपके लिए जरूरी है, ताकि आप अपने आप को बदलो और इज्जतदार तरीके से घर बैठो, सर पर दुपट्टा लेकर अपने घर को संभालो। इसमें कोई तावीज की जरूरत नहीं, बस अपनी जिंदगियों में कुरान पाक को शामिल करो ताकि सब मसले मसाइल और परेशानियां सब खुद ब खुद खत्म हो जाए। दोस्तों, ये बात सुनकर वो एयर होस्टेस थोड़ी सी शर्मिंदा हुई और फिर आखिरकार उसको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।